चीन को जवाब देने के लिए भारतीय रेलवे पूरी तरीके से कमर कसे हुए है। चीन अगर अरुणाचल प्रदेश तक रेल ट्रैक बिछा रहा है तो भारत भी पीछे नहीं है। चीन सीमा तक भारत दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाइन का निर्माण कर रहा है। इसका खास रणनीतिक महत्व लेह में होगा। ये रेल लाइन वहां तक बिछेगी जहां से कुछ ही दूरी पर चीन की सीमा शुरू होती है। सैनिकों को ये रेल रसद पहुंचाने में भी सहयोगी होगी। भारतीय रेलवे के इतिहास में इस लाइन का निर्माण सबसे मुश्किल माना जा रहा है। इस रेल सेक्शन पर ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। चीन के साथ सीमा विवाद को देखते हुए रेलवे ने लेह लद्दाख तक ट्रैक बिछाने की परियोजना को गति दे दी है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बिलासपुर मनाली लेह परियोजना के प्राथमिक भू सर्वेक्षण का काम पूरा करने के बाद 1500 किलोमीटर रेल सेक्शन की लेवलिंग को भी पूरा कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से लेह टाउन के बीच 475 किलोमीटर लंबी ब्रॉडगेज पटरी बिछाने का काम भी शुरू हो गया है। रेलवे ने निर्माण के दौरान तकनीकी सहायता के लिए एक परामर्श समूह का गठन किया है। इसमें भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान बेंगलुरु, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण IIT रुड़की, हिम व अवधाव अध्ययन संस्थान से डोमेन के विशेषज्ञ शामिल हैं। नई रेल लाइन बिलासपुर, सुंदरनगर, मंडी, मनाली, केलांग, कोकसर, डारचा, सरचू, पंगदेबरिंग, उपशी और खारुटू लेह के पहाड़ी इलाकों तक संपर्क बनाएगी। इस रेल लाइन का 51% मार्ग सुरंगों से होकर गुजरेगा। सबसे लंबी सुरंग 13.5 किलोमीटर की होगी और सुरंगों की कुल लंबाई 238 किलोमीटर होगी। इस रेल मार्ग पर 110 बड़े पुल बनाए जाने की योजना है जिनकी कुल लंबाई 23 किलोमीटर होगी। 31 रेलवे स्टेशन बनाए जाने का प्रस्ताव है जिसकी कुल लंबाई 33 किलोमीटर होगी। इस रेल लाइन के निर्माण की अनुमानित लागत 70 करोड़ रुपए तक होगी। चाइना को नया झटका देने की तैयारी में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। भारत की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ने चीन से इंपोर्ट होने वाले रॉ मटेरियल को लेकर भले ही अब तक कोई नीतिगत निर्णय ना लिया हो, लेकिन कोरोना काल में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भीतर चीन का बाजार सिमटा है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का केमिकल ही नहीं बल्कि रेडी टू यूज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का भी करोड़ों रुपए का आयात हर वर्ष किया जाता है। ऐसे में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कई उद्योगों ने अब अपने उत्पादों को कम कीमत में मुहैया कराने की मुहिम शुरू कर दी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित कई हर्बल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने वाले उद्योग अब बड़े स्तर पर ऐसे प्रोडक्ट्स का उत्पादन शुरू कर चुके हैं। इन हर्बल उत्पादों के सहारे विदेशी सामान को चुनौती देने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में पतंजलि और हिमालया ऐसी पूर्ण स्वदेशी कंपनियां हैं जो उत्पादों के कच्चे माल को लेकर चीन पर निर्भर नहीं है।